कोटा के इंजीनियर सौरभ मेहता 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के दिन से शुरुआत कर रहे हैं अपने स्टार्टअप की। सौरभ ने स्नो एप्लीकेशन बनाई है। इसे बनाने का मकसद जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके साथ एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के समाधान प्रदान करना। जलवायु में होने वाले परिवर्तन से जुड़े संकटों को दूर करने के लिए बनाई एप्लीकेशन में जुड़ेंगे गली मोहल्ले में जाने वाले कबाड़े वाले। सभी बड़े कबाड़ा व्यापारी और कंज्यूमर इस एप्लीकेशन के माध्यम से हाईटेक होंगे कबाड़ी वाले और उन्हें गली गली भी नहीं भटकना पड़ेगा। एप्लीकेशन में होगा पूरा अपडेट। कंज्यूमर को कबाड़ा देने के लिए अब ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना होगा। कबाड़े के भी दिए जाएंगे अच्छे दाम। जी, तो मेरा नाम सौरभ मेहता है और हमने स्नो टेक्नोलॉजीज करके कंपनी चालू करी है और पूरा का पूरा जो हमारा काम है कबाड़ा और सर्कुलर इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज के रिलेशन के अंदर में है। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर में हम ये करते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो वापस से सर्कुलेशन में आ जाए। तो अब हम रद्दी की भी बात करें तो आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं घर के अंदर में आप नीचे कबाड़ी वाले को देते हैं और वो वापस से रिसाइकिल होकर वापस से सप्लाई चेन में वापस आ जाते हैं। तो वही एक हम निश्चित करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल हो गया या फिर जो भी चीज़ हो गई सब वापस से रिसर्कुलेशन में आ जाए, हर चीज़ काम में। तो इसीलिए हमने जो एप्लीकेशन डेवलप करी है उसमें आप जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑनलाइन जान सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू में। और एट द सेम टाइम जो एक और पार्ट हो गया वो स्क्रैप पिकअप का पार्ट है, तो आप घर से ऑर्डर पिकअप प्लेस कर सकते हैं उस गद्दी के ऊपर में हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर में, न्यूज़पेपर, कार्टन, और भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, और आपके घर पे ही कोई आकर पिकअप करेगा और उसका आपको पेमेंट मिलेगा घर बैठे। तो हमने सर ऐप बनाई हुई है और ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी स्नो के नाम से। सर हमारी करीबन अभी 5 से 6 लोगों की टीम है।